हाई एवरी वन, वेलकम बैक ऑन दिस यूट्यूब चैनल तरंग अकेडमी। सो आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि बॉसी सारकोमा के बारे में। अब इसकी प्रोनंसिएशन सारे लोग अलग अलग करते हैं, कुछ लोग इसको कुछ बोलते हैं, कुछ कुछ बोलते हैं, तो मैं तो इसको कैपॉसी सारकोमा ही बोलती हूँ, ठीक है। तो प्रोनंसिएशन को छोड़ के अब हम इसके कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर लेते हैं इन डिटेल, ठीक है, कि क्या होता है। अब यहाँ पर जो चीज़ें मैंने लिखी हैं, एटलीस्ट अगर आपको इतना भी याद हो जाए और अगर आपके पेपर में आ जाए तो बहुत बढ़िया तरीके से आप लिख दोगे, ठीक है। चलो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसके नाम के साथ स्टार्ट करेंगे। इसका नाम कैपॉसी सारकोमा क्यों है, ये जो है सबको पता चल रहा है, किसी साइंटिस्ट का नाम है जिसने इस सारकोमा को डिस्कवर किया, ये उस साइंटिस्ट का नाम है, इसीलिए इसका नाम है कैपॉसी सारकोमा। तो ये तो हो गए जिन्होंने इसको डिस्कवर किया, उनका नाम, साइंटिस्ट का नाम, ठीक है। अब नाउ सारकोमा वर्ड का मतलब क्या है। सारकोमा वर्ड का मतलब है एक ऐसा ट्यूमर जो कि सॉफ्ट टिश्यू में हो रहा हो या बोन में ओरिजिनेट हो रहा हो, उसको कहते हैं हम सारकोमा, ठीक है। तो सारकोमा एक ऐसा ट्यूमर, बेनाइन ट्यूमर, जो सॉफ्ट टिश्यू में है या फिर जो बोन्स में है, ठीक। तो नाम का मतलब समझ आ गया। चलो अब सेकंड लाइन पढ़ते हैं। सेकंड लाइन में लिखा है इट इज अ स्पिंडल सेल ट्यूमर ऑफ लिम्फो एंडोथेलियल ओरिजिन। तो इसका ओरिजिन कैसे होता है, इसमें आपका लिम्फेटिक इन्वॉल्वमेंट है, साथ साथ एंडोथेलियल, एंडोथेलियल आपने पढ़ी होगी, इट इज अ लेयर। तो ओरिजिन कैसा है इस ट्यूमर का, लिम्फो एंडोथेलियल ओरिजिन है। एंडोथेलियम बेसिकली होती क्या है, जो आपकी ब्लड वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स में जो लेयर होती है, ये लेयर जो होती है इसको हम कहते हैं एंडोथीलियम, ठीक है। तो लिम्फो एंडोथीलियल ओरिजिन है। इस स्पिंडल सेल ट्यूमर का मतलब क्या है, हमारी बॉडी में कुछ सेल्स की शेप ऐसी होती है जो कि स्पिंडल शेप जैसी होती है। मैं स्क्रीन पे लगा भी दूंगी फोटो और दिखा भी दे रही हूँ, स्पिंडल लाइक दिस, जो चौड़ी कम और लंबी ज्यादा, ठीक है, वाइड कम हो लंबी ज्यादा हो, तो दैट इज अ स्पिंडल सेल ट्यूमर ऑफ लिम्फो एंडोथेलियल ओरिजिन। पहली लाइन कवर हो गई, समझ में आ गई क्यों थी। नाउ नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जो कैपॉसी सारकोमा है किस वजह से होता है। सो इट इज कॉज ड्यू टू हर्पीज 8 वायरस। ये हर्पीज 8 वायरस क्या है, बेसिकली जिनको HIV होता है, जिन पेशेंट्स को, उनमें ये कैपॉसी सारकोमा होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखो कि इट इज कनेक्टेड विद HIV एंड कॉज ड्यू टू हर्पीज वायरस 8। नाउ इसके 4 पैटर्न्स होते हैं, 4 पैटर्न क्या है, एक तो इसका क्लासिक पैटर्न है जो कि बहुत रेयर होता है, दूसरा एंडेमिक पैटर्न है जो कि काफी एग्रेसिव होता है और मेल में ज्यादा देखा जाता है, फीमेल्स में कम होता है। एक होता है इम्यूनोसप्रेसिव पेशेंट्स के अंदर, जिनके अंदर कुछ ट्रांसप्लांट हुआ हो, जिनकी इम्यूनिटी बहुत वीक हो, तो ऐसा HIV पेशेंट्स के अंदर भी होता है, ठीक है। एंड इम्यूनोसप्रेसिव वो जिनका रीनल ट्रांसप्लांट हुआ हो या कोई और ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ हो, तो उनमें कैपॉसी सारकोमा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके अलावा एड्स एसोसिएटेड कैपॉसी सारकोमा, ठीक है, इट इज अ मल्टी सेंट्रिक डिसीज। सो ये जो है ना मेन, अगर HIV के साथ में आपको कैपॉसी सारकोमा मिल रहा है तो ये एक क्रिटिकल कंडीशन बन जाती है, ठीक है। नाउ अब व्हाट आर द सिम्टम्स, मैनिफेस्टेशंस क्या देखने को मिलेंगे। सबसे पहले अर्ली म्यूकोक्यूटेनियस लीजन, मतलब म्यूकोक्यूटेनियस, क्यूटेनियस मतलब कि स्किन पे लीजन देखने को मिलेंगे। तो अर्ली शुरुआत में म्यूकोक्यूटेनियस लीजन मिलेंगे। कैसे होते हैं, शुरू में वो होते हैं मैक्यूला। अगर आपको ये नहीं पता है तो आप डेविडसन की बुक ओपन करो, प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन में चैप्टर निकालो स्किन, उसमें सब कुछ डिफाइन किया हुआ है व्हाट इज मैक्यूलर पैप्यूलर, उससे ही समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले जो लीजन होंगे ना वो मैक्यूलर होते हैं, ठीक है, मैक्यूलर। उसके बाद वो पैप्यूलर में कन्वर्ट होते हैं, फिर उसमें नोड्स बन जाते हैं और उन नोड्स में भी अल्सर जब हो जाता है तो वो सबसे ज्यादा बुरी कंडीशन में आ जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये जो कैपॉसी सारकोमा दिखने में कैसा दिखेगा, मैं स्क्रीन पे भी फोटो लगा दूंगी, बट उसके अलावा आप देखोगे कि इसमें टिपिकल रेड पर्पल कलर का पिगमेंटेशन मिलता है और जिन लोगों का डार्क कलर है उनमें हाइपर पिगमेंटेशन मिलता है, ठीक है। तो रेड पर्पल कलर, जैसे कि पैथोलॉजी की बुक है ना, पैथोलॉजी की बुक सबने देखी होगी, उसमें रेड पर्पल कलर की सब स्टेनिंग मिलकर आती, उसी तरीके से टिपिकल रेड पर्पल कलर की पिगमेंटेशन देखने को मिलती है। लिम्फोएडिमा, व्हाट इज लिम्फोएडिमा, देखो ये जो सारकोमा है ये हमारे लिम्स को अफेक्ट कर रहा है।
लिम्फ को, ठीक है, ध्यान रखना, लिम्फ को अफेक्ट कर रहा है, तो लिम्फ के ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से क्या होगा, जब इडीमा मतलब स्वेलिंग होने लगेगी बॉडी में, दैट इज कॉल्ड द लिम्फोडीमा। तो लिम्फोडीमा देखने को मिलेगा, उसके अलावा फीवर तो मिलना ही मिलना है, नाइट स्वेट एंड वेट लॉस, ये सारे जो टी वाले सिम्टम होते हैं वो भी इसमें देखने को मिलते हैं। तो आई होप कि इस बोर्ड पर मैंने जितनी चीजें लिख रखी थी केपोसी सार्कोमा से रिलेटेड वो आपको एक एक चीज समझ में आ गई होगी। एंड अगर आपके एग्जाम में कभी भी ये टॉपिक आता है तो आप इसको बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। ध्यान रखना है ऑरिजिन कहाँ से हुआ है, कॉज किसने किया है, पैटर्न्स क्या है, क्या बॉडी पे मैनिफेस्टेशंस आते हैं, एंड यू विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड। इफ यू वांट सम मोर वीडियोस लाइक दिस देन डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एज वेल। टिल देन गाइस, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।